तो गाइज 200 वोट मोनो के बाद पेश है अपना 200 वोट स्टीरियो। तो आप लोगों ने काफी दिन पहले मैंने वीडियो डाली थी 200 वोट मोनो की, जो कि विदाउट पावर सप्लाई था। तो उसके बाद काफी सारे लोगों ने मेरे को बोला था कि सर इसी मतलब इसी छोटे से साइज के अंदर और इसी स्पेसिफिकेशन के साथ जो 200 वोट स्टीरियो है वो भी आप लेके आइए, हमें बहुत ज्यादा जरूरत है 200 वोट स्टीरियो की। ठीक है, तो उसी को देखते हुए यहाँ पे पेश है आपके सामने 200 वोल्ट स्टीरियो का बोर्ड, जो कि विदाउट पावर सप्लाई है। और ये जो बोर्ड हैं इतने छोटे साइज में, इतने कॉम्पैक्ट से साइज में निकालने का मकसद ये है, क्योंकि काफ़ी सारे बंदे होते हैं जिनको अपनी गाड़ी के अंदर या फिर छोटी सी जगह पे जो बोर्ड है उसको माउंट करना होता है, एक छोटा सा एम्पलीफायर बनाना होता है, बिल्कुल छोटे साइज में ज़्यादा पावर का एम्पलीफायर बनाना होता है। तो उसके हिसाब से हमने ये जो बोर्ड है इसको लॉन्च कर दिया है। हालांकि इसकी जो वीडियो है वो कल आने वाली थी, क्योंकि कल 26 जनवरी थी और तबीयत भाई मौसम के हिसाब से थोड़ी सी मतलब इधर उधर हो जाती है, तो मैं कल डाल नहीं पाया और सोचा कि चलो आज डाल देते हैं। तो इसमें देख सकते हो आप जो फीचर्स वगैरह हैं वो सारे के सारे वही हैं जो 200 वोट मोनो के अंदर थे। यानी कि यहाँ पे आपको दो फ्यूज मिल जाते हैं, साथ में आपको थर्मोस्टेट प्रोटेक्शन मिल जाती है। हालांकि थर्मोस्टेट इसके ऊपर मैंने माउंट नहीं कर रखे, तो पीसीबी की बैक साइड से मैं आप लोगों को दिखाता हूँ यहाँ पे। तो ये जो दो होल दिख रहे हैं आपको यहाँ पे, तो यहाँ पे हमारा जो थर्मोस्टेट है वो यहाँ पे लग जाएगा और एक यहाँ पे लग जाएगा। यानी कि अलग अलग चैनल के लिए इसके अंदर अलग अलग थर्मोस्टेट लगता है, दोनों चैनल को प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ पे थर्मोस्टेट जो है वो लग जाता है। ठीक है गाइज, और इसकी मैं पीसीबी की साइज़ की अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ पे साइज़ देख सकते हो। साइज़ अब की बार मैंने इसके ऊपर साइज़ भी लिखवा रखा है ताकि आप लोगों को दिक्कत ना पड़े कोई भी। तो देख सकते हो यहाँ पे 126x77, ठीक है, एमएम में है ये। तो यहाँ पे आप देख सकते हो क्लियर लिखा हुआ है। तो इसकी अगर मैं हीट सिंक की बात करूँ तो इसके हिसाब से जो इसकी हीट सिंक है वो काफ़ी हैवी है, और यहाँ पे 51, 98 और 19, 41 ट्रांजिस्टर लगे हुए हैं ओरिजिनल तोशिबा के। थोड़ा सा जूम करके दिखा देता हूँ आप लोगों को, देख सकते हो बिल्कुल ओरिजिनल चीज़ यहाँ पे लगी हुई है। तो इसके अंदर कोई भी प्रॉब्लम आने वाली नहीं है बोर्ड के अंदर, आप इसको कैसे भी पेल के रख सकते हो। ठीक है, अब बात करेंगे इसके ट्रांसफार्मर वगैरह की, स्पीकर वगैरह की, कौन से क्या लगेंगे, कनेक्शन कैसे होंगे, वो सारी चीज़ें बता देता हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हो प्लस माइनस 35 वोल्ट यहाँ पे लिखा हुआ है, बीच में यहाँ पे साइड में है ग्राउंड। ठीक है, तो -35 प्लस 35 वोल्ट पे आप इसको चला सकते हो डीसी पे, क्योंकि इसके अंदर जो डीसी पावर सप्लाई है वो इनबिल्ट नहीं है। तो आप इसको डीसी वोल्ट देंगे -35 प्लस 35, ठीक है। हालांकि आप इसको 45045 पे भी लेके जा सकते हो, डीसी वोल्ट पे कोई दिक्कत नहीं है, चलेगा। लेकिन जो लोग कन्वर्टर से चलाना चाह रहे हैं तो उनके लिए बता दूं कि भाई ये कन्वर्टर से इतना इजीली चलता है और इतना तगड़ा इसका रिस्पॉन्स आता है कन्वर्टर के ऊपर भी, कि आप इसकी जो साउंड है वो फील करोगे बिल्कुल, मतलब इतना गजब का रिस्पॉन्स है इसका। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हो अगर आपके पास 24024 का कन्वर्टर है उस पर भी चलेगा, 35035 का कन्वर्टर है उस पर भी चल जाएगा, 45045 का कन्वर्टर है तो उस पर भी ये वर्क करेगा प्रॉपर तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया अपना पावर सप्लाई की बात। तो यहाँ पे है इनपुट के कनेक्टर, तो यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे कनेक्टर लगा हुआ है जो कि इनपुट का है, लेफ्ट राइट बीच में ग्राउंड है। आउटपुट की बात करते हैं तो आउटपुट यहाँ पे है स्पीकर की दो, ठीक है, और ये नीचे वाले हैं अपने लेफ्ट राइट के लिए, तो ग्राउंड है। लेफ्ट चैनल के लिए अलग से है, राइट चैनल के लिए अलग से है। ठीक है, तो ये इसका ड्राइवर सेक्शन है पूरा, बिल्कुल छोटा सा और काफ़ी पावरफुल है ड्राइवर सेक्शन भी इसका। तो ये है इसके अंदर मोटी मोटी सी बातें। अगर आप लोगों को कुछ और पूछना है इसके बारे में तो कमेंट करो, और भाई जितने भी प्रोजेक्ट आते हैं नए नए उनके बारे में कमेंट तो यार किया करो और जिसको परचेज करना है अभी ये स्टॉक में है अपने पास, काफ़ी सारे पड़े हुए हैं, जिसको परचेज करना है वो मेरा नंबर उठा लो डिस्क्रिप्शन से, तो वहाँ से आप मेरे को व्हाट्सअप कर सकते हो। इसका रेट मैं आप लोगों को बता देता हूँ, जो अपना 200 वोट स्टीरियो बोर्ड था, सॉरी 200 वोट जो मोनो बोर्ड था उसका जो रेट था वो था 680 रुपये, और उसका जो रेट है वो हमने अभी भी 680 रुपये ही रखा हुआ है, ना ऊपर ना ज़्यादा। उसके साथ में आपको थर्मोस्टेट भी मिलता है फ्री में। तो अभी इसका जो रेट होएगा वो अपना रहने वाला है 720 रुपये। 720 रुपये का बोर्ड है जिसके अंदर जो थर्मोस्टेट हैं लेफ्ट राइट के लिए वो भी आप लोगों को साथ में ही मिल जाएंगे फ्री में। ठीक है, तो ये 720 रुपये का बोर्ड है गाइज। तो आप लोगों को कैसा लग रहा है बताना ज़रूर, और नंबर मेरा डिस्क्रिप्शन में है, उधर से उठा लेना।
और इसके अंदर वायरिंग का इतना मोटा कोई झंझट है ही नहीं, आप लोगों को पता है। रही बात प्रीएम्प वगैरह की, तो प्रीएम्प भी इसके ऊपर कोई भी चल जाएगा। ये बोर्ड कुछ इस तरीके से डिजाइन किया गया है। इसके अंदर अगर आप लो सिग्नल का जो प्रीएम्प है वो भी लगाते हो, यानी कि अगर आप इसके ऊपर 44-40 वाला प्रीएम्प भी लगाते हो ना भाई, तो तब भी इसके अंदर ऐसी साउंड क्वालिटी मिलेगी आपको कहीं देखी भी नहीं होगी ऐसी साउंड क्वालिटी, ठीक है। तो इस तरीके का इस बोर्ड को डिजाइन किया गया है, तो देख सकते हो ऐसा सर्किट आपको कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा। तो भाई इस चीज़ के लिए मिलेगा क्या लाइक इसको, ठीक है। तो मिलेंगे गाइज नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।